बॉलीवुड की सच्चाई के बारे में तो हम सभी को पता है कि जब तक यहाँ पर इंसान जीवित होता है तब तक लोग उसके पास गोद की तरह चिपके रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो इस दुनिया से विदा लेता है हर कोई उससे दूरी बना लेता है, क्योंकि बॉलीवुड में हर किसी को पता है कि अब ये इंसान हमारे काम आने वाला नहीं है। अगर कोई फिल्म मेकर है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, तो ये जितने भी बॉलीवुड के एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, ये सभी के सभी उनके घर द्वार के चक्कर लगाते रहते हैं, ऑफिसों के चक्कर लगाते हैं, इनकी चापलूसी तक करते हैं, लेकिन जब मतलब निकल जाता है, जब वो इंसान इस दुनिया में नहीं रहता है, तब इनके रंग रूप देखने लायक होते हैं। सनम, बेवफा, सौतन जैसी फिल्मों को बनाने वाले सावन कुमार 86 साल की उम्र में एक लंबी बीमारी के चलते उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सावन कुमार हिंदी सिनेमा जगत का काफी बड़ा नाम था, जिन्होंने सलमान खान से लेकर मीना कुमारी सभी के साथ काम किया, सभी को मौका दिया। लेकिन आप बॉलीवुड का सच देखो, इस काली बॉलीवुड की सच्चाई देखो कि उनकी मौत पर किसी ने एक आंसू बहाने का तो छोड़ दीजिए, बहुत दूर की बात हो गई, कोई उनके दरवाजे तक नहीं गया, कोई अंतिम संस्कार में नहीं गया उनकी अंतिम यात्रा पर। बॉलीवुड से कोई गया तो वो थे प्रेम चोपड़ा, डेविड धवन, सुनील पाल, जबकि सुनील पाल के साथ ना उन्होंने कोई काम किया था ना कुछ किया था, फिर भी सुनील पाल ने मानवता का फर्ज निभाते हुए जाने का काम किया। फिर अशोक पंडित, श्याम कौशल और मनमोहन शेट्टी जैसे गिने चुने हुए ही लोग थे, इससे ज्यादा लोग नहीं थे। रजा मुराद और पद्मिनी कोल्हापुरे, राकेश रोशन, ये उनके घर पर गए हुए थे, अंतिम यात्रा में नहीं आए। और जितेंद्र का ये कहना है कि भैया मैं उनकी अंतिम यात्रा में इसलिए शामिल नहीं हो पा रहा हूँ क्योंकि मैं उन्हें अंतिम यात्रा में जाते हुए देख नहीं पाऊंगा। अब सोचिए ये कितना बेतुका है। सलमान खान ने भी सावन कुमार को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट जरूर किया, लेकिन ना वो उनके घर पर गए और ना ही अंतिम यात्रा में उनके शमशान घाट तक गए। और यही दिखा रही है सच्चाई कि यहाँ पर बड़े से बड़े सेलिब्रिटी जो हैं, ये मरने के बाद किसी को नहीं पूछते, तो फिर सुशांत सिंह राजपूत की अंतिम यात्रा में कोई क्यों जाता? सुशांत को तो बॉलीवुड के ये गिने चुने हुए लोग एक्टर ही नहीं मानते थे, अपनी बिरादरी का ही नहीं मानते थे।